उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एसओजी और सैनी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने लाखों रुपए चोरी के सामान के साथ गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के अलावा एक लोडर गाड़ी, एक लैपटॉप, टायर ट्यूब, 22 डिब्बा मोबिल ऑयल समेत लाखों रुपए चोरी का सामान भी बरामद किया है। इसके अलावा चोरी का सामान खरीदने वाले एक व्यापारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि जिले में लंबे समय से यह गिरोह सक्रिय था, जो कई स्थानों पर व्यापारियों की दुकान को अपना निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इस गिरोह को पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। बीती रात एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि गिरोह के 4 सदस्य इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों ने अपने इकबालिया जुर्म में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात का खुलासा किया है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता रामकिशन की खास रिपोर्ट। मूरखगंज में, कोखराज में कई चोरियां हुई थी, गंभीर बड़ी चोरियां हुई थी। इसमें सैनी पुलिस और एसओजी को एक बड़ी सफलता मिली है। इस गैंग के 4 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। एक गाड़ी मिली है जो कि लोडर गाड़ी है, और इसके अलावा भारी संख्या में चोरी का माल मिला है, जिसमें बर्तन हैं, टायर ट्यूब हैं, जो मोबिल आदि के डिब्बे हैं वो मिले हैं, लैपटॉप मिला है, तमंचा मिले हैं इनके पास से, और इन्होंने कई चोरियों का इकबाल किया है। काफ़ी लंबे समय से गैंग सक्रिय था। इसमें एक चोरी का माल खरीदने वाला पूरा मिफ्ती क्षेत्र का अभियुक्त है, वो भी पकड़ा गया है। इस गैंग का जो लीडर है इरफान, वो अभी बचा है, वांछित है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं और उसकी जल्दी गिरफ्तारी करें। सर, टेक्निक क्या होते थे इन लोग की चोरी करने की, जैसे गाड़ी वगैरह? ये था कि किसी भी दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देते थे, एक व्यक्ति नीचे लेट जाता था जिससे ये लगे कि वाहन खराब है, और पीछे जो दुकान होती थी उसमें बाकी सदस्य घुस के चोरी करते थे। इसी गाड़ी में ले जाके ये लेके सामान भागते थे और उसके बाद इसको बेच देते थे। ये लगातार रोज घटनाएं कर रहे थे, बहुत सक्रिय गिरोह था, और एक बड़ा अच्छा एक खुलासा हुआ।